और तला भाई इसी गम में पैसे बकाया लेना भूल गए थे, तो वी ऑल स्टैंड विद तला भाई, मुनाफा भी है इनके वी ऑल पास। स्टैंड यूनाइटेड विद तला भाई। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम यार, मेरा नाम शामीर है, आप देख रहे हैं जी एस के व्लॉग्स, और जी एस के व्लॉग्स की आज है एपिसोड 4th। तो एक दिन पहले मैं टोपी पहन लूँ, ज़रा रखी हुई है साथ ही, शॉर्ट लेना था ना तो इसलिए साथ ही रख ली थी। तो हाँ सही नहीं, बल्कि बगैर टोपी के मैं शीशे में देख लूँ एक मिनट ज़रा। अच्छा तो यार, आज के व्लॉग में ना मामलात कुछ होने लगे हैं हैवी। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि आज का व्लॉग बन किसके साथ रहा है। एक्चुअली मेरा आज का व्लॉग जो है वो एक कोलैबोरेशन है, बाल मुंह पे आ रहे हैं, मेरा आज का व्लॉग एक कोलैबोरेशन है, मेरी पहली कोलैबोरेशन एज अ व्लॉगर। तो आज का व्लॉग फ़िलहाल बन रहा है टीजे के साथ, यूटी का मैं 3rd व्लॉगर था आई थिंक। तो मेरे से पहले 2 व्लॉगर्स जिन्होंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी यूटी में, वो नौशीन मियां अज़ीम भाई और टीजे तला जमशेद। तो अभी मुझे 4 बजे तकरीबन टीजे का मैसेज आया कि यार शामिर एक सीन ऑन करना है, मूड है। तो मैंने अपने कुछ काम निपटाए, ज़रूरी काम निपटाए, वो तला भाई जानते हैं खाली। तो और फिर मैंने उन्हें कहा हाँ यार सीन ऑन करते हैं। तो अभी 7 बजे मैंने घर से निकलना है, 7:15 मैंने पहुँच जाना है तकरीबन, और तला भाई को मैंने तभी का टाइम दिया हुआ है कि यार 7:15 से 7:20 के दरमियान हम इंशाल्लाह मिलेंगे। व्लॉग बन रहा है F10 में, जो सीजन शॉर्मे वाले आए हुए हैं उन पर। तो अभी चलते हैं F10 तैयार होके। और हाँ, वो स्केटबोर्ड देखा ना आपने मेरी वीडियो में, वो मैंने नया लिया, वो मैंने सीखना है, तो उसकी मैं वीडियोस कॉन्स्टेंटली अपलोड करता जाऊंगा। तो अभी चलते हैं F10, और फिर उसके बाद एक सिनेमैटिक सीक्वेंस, और आपको शॉर्मे का रिव्यू देते हैं। तो F10 जाने के सीन्स। था तकरीबन कोई 7:15 7:20 के करीब यहाँ पे, और अब मैं वेट कर रहा हूँ तला भाई का। तो तला भाई आ रहे होंगे, मुझे उनकी कॉल आई है कि मैं पहुँचने वाला हूँ, और आई थिंक आ रहे हैं सामने से ही ना। तो अभी तला भाई को मिलते हैं, उसके बाद ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर के बाद आपको सिनेमैटिक्स दिखाते हैं। तो मैं डीजे और मामला शामिर, पूरा नाम है इनका शामिर कुमार, और इनका चैनल है टीजे विद मी मामलात। तो यार मामलात देख रहे हैं, और मामलात जालिम ये भाई यार काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं, देखते हैं लच्छी कैसा फ्लेवर है क्या है। आपने जीएस के व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना है, ठीक है जी, डन हो गया। तो यार लाइन में हम लगे हुए हैं तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं तकरीबन, और हम लाइन में लगे हुए हैं अभी टोकन लेने के लिए, अभी सिर्फ टोकन लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। इसके बाद शॉर्मे वाला सीन तो अलग होने, तो अभी पीछे हमारी लाइन देख सकते हैं आप भी है, और आगे की ये टोकन की लाइन है सिर्फ, आगे भी 2 से 3 घंटे लगेंगे आने के लिए।
सिस्टम बड़ा लेट है, ये जो मामला है ना, ये ऐसे ऐसे बैठते जा रहे हैं आज इसके, तो इसलिए चले दुआ करें अच्छा निकला है बस शर्मा, ये बाकी खैर है तो मामला बमा है भी। जिसका इंतजार वो लम्हा आ गया, लम्हा so much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. तो यार we are बैक, और अभी मैं वापस आ रहा हूँ F10 से शर्मा खा के। अब टाइम है शर्मा का रिव्यू देने का। तो यार अब सबसे पहले रिव्यू देते हुए ना मैं आपको बताऊँ, जो शर्मा की जितनी हाइप है ना, ये उसके बराबर भी नहीं पहुँचता। मतलब फजूल की हाइप दी हुई है। मैं यहाँ से गया पेट्रोल लगा के, तला भाई फैज़ाबाद से आए पेट्रोल चढ़ा के अपनी क्रीम पे, और वेरी डिसअपॉइंटेड। मतलब यार तुम कहाँ जा रही हो यार, इससे बेहतर ना 60 रुपये वाला आइटन का शर्मा बेस्ट होता है यार, बेस्ट होता है। मतलब ना सूखा था ये, इसमें टेस्ट नहीं था, और इसकी रोटी जो ब्रेड टाइप रोटी होती है ना, चपाती, ये चपाती यूज़ करते होते हैं, तो वो जो चपाती है वो सख्त थी। इसके अलावा ठंडा हुआ हुआ था यार, मतलब ये उस टाइम मैंने गर्म हो रहे थे लिटरली, मतलब हीट हो रहे मगर नहीं, फिर भी ये ठंडा था। अब या तो ये इस्लामाबाद की सर्दी का कसूर है, या फिर ये शर्मा वाले का कसूर है। हाँ, जितनी इस शर्मा को हाइप मिली हुई थी ना, उतनी नहीं है, तो उतना मज़े का ये है नहीं। मतलब एक होता है ना बंदा थोड़ा सा मज़े का हो जाता है, ये बिल्कुल भी मज़े का नहीं। मैं टोपी उतार के बात करता हूँ, टोपी उतार के मैं सच ज़्यादा अच्छा बोलता हूँ। तो अभी ऐसा है ना कि मैं आपको बताता हूँ, इस शॉर्मे का हिसाब कुछ ऐसा था कि यार 290 रुपीज़ का शॉर्मा था चिकन, और ऑलमोस्ट 400 समथिंग का शॉर्मा था बीफ का। आई ट्राइड द चिकन और तला भाई ने बीफ ट्राई किया। रिव्यू में अगर हम देखना चाहें तो सबसे बड़ी चीज़ चिकन और बीफ में चिकन और बीफ ही हो गई ना, तो चिकन और बीफ प्रॉपरली गले हुए भी नहीं थे, और क्या कहते हैं, मतलब बहुत ना अफसोस हुआ हमें जाके खाने के बाद। यार 2 घंटे हमने फारी की लाइन में खड़े हुए, और टोकन की लाइन में भी खड़े हुए, और उसके टोकन लेते हुए, और क्या कहते हैं, शॉर्मे की लाइन में लगना, और फिर जब इस तरह का आपको सर्विंग होना, मज़ा नहीं आया यार, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। इससे बेहतर मैं आपको एक और बड़े मज़े की जगह बता देता हूँ। अगर आप F10 जा रहे हो ना, दिस इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन, अगर आप F10 जा रहे हो शॉर्मे के पीछे, तो यार ऑलमोस्ट 250 का आई थिंक बूम बूम रोल मिलता है, वो इससे अगली पार्किंग में है, जिस पार्किंग में ये है ना, जिस पार्किंग में ये शॉर्मा है, वो इससे अगली पार्किंग में है, 250 का वो रोल मिलता है, बूम बूम रोल। वो आई थिंक डी वॉटसन, नहीं वो डी वॉटसन वाली पार्किंग नहीं है, वो है पिज़्ज़ा हट वाली पार्किंग में बूम बूम रोल। आप F10 का बूम बूम रोल ट्राई करें, ना मज़ा आया तो पैसे वापस, और मज़ा आया तो शॉर्मा ना। देखें मेरा, मैंने आपको अपना ऑनेस्ट ओपिनियन देना है, मेरी तरफ से 0 है, 0 मतलब लिटरली 0 इस शॉर्मे की वैल्यू। तो अगर आपको ट्राई करना है अभी भी आप करें, तो मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर स्टिल अगर भाई की बात मानते हैं तो 290 रुपये अपने बचा सकते हैं। तो मैं टीजे के चैनल नीचे लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में टीजे के चैनल का, इनको सब्सक्राइब करें और फिर इनका व्लॉग भी देख लें, रिव्यू इनका भी ऐसा ही होना चाहिए। तो अभी तक के लिए इतना ही, आपसे चाहता हूँ इजाज़त, अगला व्लॉग पता नहीं कब आए, मगर अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।